चैप्टर 3 में हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस सब बॉय देखने को मिलता है, जो कि असल में हमारी हेल्प करता है पूरी कहानी में, जहां पर हम देख पाते हैं कि वो एक फोन के थ्रू हमें कॉल करता है और ये दावा करता है कि असल में वो और पॉपी दोनों ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और दोनों ही सेम साइड हैं, जो कि है प्रोटोटाइप को हराने के लिए। हम कहानी में हर वो चीज़ करते हैं जो कि वो हमसे करने को कहता है, लाइक गैस प्रोडक्शन वहाँ पे जाना और फिर वहाँ से रेड स्मोक को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, लेकिन एंड में जहाँ पे उसे रिवील होना चाहिए और हमें बधाई देनी चाहिए कि असल में जो भी हम उसको बोल रहे हैं वो फाइनली हो चुका है, यहाँ पर वो रिवील नहीं होता है। आई मीन जैसे ही हम लोग लास्ट टाइम फेस करते हैं कैटनैप को, तो उसके बाद से वो हमें कहीं दिखता ही नहीं है। सो बहुत लोगों के दिमाग में ये बात उठ रही है कि असल में ऑली है कौन, क्या वो रियल इंसान है, क्या वो कोई टॉय है या फिर कुछ और ही है जो कि हमें कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर असल में वो भी हमें धोखा दे रहा है जस्ट लाइक पॉपी। सो आइए बात करेंगे आज इस वीडियो में अबाउट द मिस्टीरियस बॉय नेम्ड एज ऑली। सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वंस अगेन पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 की थ्योरीज पर। यहां पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना के पोस्ट कर चुका हूं, जो कि है गेम प्लेस की, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस और VHS एक्सप्लेनेशन। ये तीनों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो होप्स हो कि आपने देखा हो। सो आइए बात करते हैं हु इज ऑली। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में जहां पर हमें कैटनैप पकड़ लेता है और जब हम वहां से बाहर निकलते हैं तो हमें एक फोन मिलता है। जब हम उस फोन को पिक करते हैं तो हमें सुनाई देती है एक आवाज, जो कि हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है उस जगह से बाहर निकलने में जहाँ पर हमारी ट्रेन क्रैश हुई थी, और हमें भेजती है प्ले केयर में। अब ये वही जगह है जहाँ पर सेकंड पार्ट में पॉपी भी जाने को कह रही थी। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि असल में उसका नाम है ऑली, जो कि हमें गाइड कर रहा है प्ले केयर की ओर। प्ले केयर में क्या था, वो कौन सी जगह थी और वहाँ पे क्या क्या होता है, वो सब हमें बताता है। और वो ये भी कहता है कि असल में हम नाराज होंगे पॉपी पर, क्योंकि उसने हमें जाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जानता है कि लास्ट पार्ट के एंड में हमें पॉपी से बिट्रेयल मिला था, जो कि हमसे वादा करती है कि वो हमें इस फैक्ट्री से निकालेगी, लेकिन असल में उसने हमें इस फैक्ट्री के और डीप में भेज दिया था, प्ले केयर में भेज दिया था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यही कहता है कि वो जो भी कर रही है उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं पॉपी और ऑली दोनों ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन दोनों को हमारी हेल्प चाहिए एक्सपेरिमेंट 1006 प्रोटोटाइप को हराने के लिए। वो लोग हमें प्ले केयर में भेजते हैं क्योंकि वहीं पर ही था लास्ट ऑब्स्टेकल, जो कि हमें रोक सकता है एक्सपेरिमेंट 1006 के पास पहुंचने में, वो था कैटनैप। लेकिन जहाँ पे हम देख पाते हैं कि पूरे प्ले केयर में वो हमसे बार बार कनेक्ट करता है और हमें हेल्प करता है, लेकिन गेम के लास्ट में वो अचानक से गायब हो जाता है। मतलब हमें उसका कुछ नामोनिशान देखने को नहीं मिलता, ना वो कभी फ़ोन बजता है और ना हमसे पॉपी कुछ कहती है ऑली के बारे में। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी कि असल में जो बॉय हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइड कर रहा था, वो हमें एंड में जाके कुछ नहीं बोलता है, उसका रिप्लाई तक नहीं आता, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बोलता कि बहुत बढ़िया आखिरकार तुमने कैटनैप को मार दिया। आमिर कैटनैप के मरने के बाद भी वो हमें बधाई नहीं देता है, यहाँ तक कि जो उसका फ़ोन है वो भी नहीं बचता है। सो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि असल में और कोई नहीं एक्सपेरिमेंट 1006 हो। देखो मैं यहाँ पर 3 बातें बताने वाला हूँ और तीनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं दावा करेंगी कि ये एक्सपेरिमेंट 1006 ना होके कुछ और भी हो सकता है, वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये बात करते हैं कि बहुत लोग हैं जो कि ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑली एक्सपेरिमेंट 1006 हो सकता है। तो हम देख पाते हैं कि क्यों हमारे दिमाग में ये बात आती है कि एक्सपेरिमेंट 1006 हो सकता है ऑली। वो इसलिए क्योंकि लास्ट में जब हम लॉग देखते हैं एक्सपेरिमेंट 1006 का, तो वो देख पाते हैं, वहाँ पर हम समझ पाते हैं कि असल में वो मिमिक कर सकता है हर एक आवाज़ को, जो भी वो सुनता है या फिर जो भी वो देखता है, वो हर एक साउंड को हर एक वॉइस को मिमिक कर सकता है ऑन स्पॉट। मतलब उसे टाइम नहीं लगता उसी चीज़ को मिमिक करने में, यानी कि मे बी उसके पास अपनी आवाज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करता है मिमिक, और उसी के थ्रू वो बात करता है सभी से, चाहे वो खालिस स्वर क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अगर ऐसा है तो हो ना हो गेम की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं जो भी हमें गाइड किया था वो किया था एक्सपेरिमेंट 1006 ने, और वो समहाउ हमें अपने पास पहुंचाना चाहता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पॉपी को इस बारे में सब कुछ मालूम था कि एक ऑली है जो कि हम दोनों को गाइड कर रहा है, तो क्या पता कि वो ऑली बनकर भी कहीं ना कहीं पॉपी को भी धोखा दे रहा हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि एक बॉय को इतना कुछ याद है। हम देख पाते हैं वहाँ पे जो गैस प्रोडक्शन जोन है, वहाँ मशीन में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उस छोटे बच्चे को याद कैसे रहेगा, उसे क्या मालूम कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सा सोर्स कहाँ पर है। यहाँ तक कि वो हमें हर रूम में जाने के लिए कीज़ देता है थ्रू द पाइप और बैटरी भी प्रोवाइड करता है। सो हो ना हो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी अजीब है कि एक लड़के को, एक बॉय को, एक चाइल्ड को इतना कुछ कैसे पता है मशीन्स के बारे में, प्ले केयर के बारे में। यहाँ तक कि वो जहाँ पे भी है वो हमें देख पा रहा है हर एक कदम पर, हम देख पाते हैं जहाँ पर भी हम फंसते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है, क्योंकि पूरा प्ले टाइम और पूरा प्ले केयर CCTV से भरा पड़ा है, तो दैट्स वाई वो हमें हेल्प करता है। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ समझो,
वो हमें देख रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। यहां तक कि उसे पता है कि हम स्कूल के बेसमेंट के थ्रू प्ले हाउस में पहुंचे थे जहां पर वो श्राइन था, तो वो श्राइन के बारे में भी पूछता है। बहुत प्यार से ये भी बोलता है कि वो सिर्फ एक श्राइन था, जब आप उसकी होल बॉडी देखोगे, जब आप उसको एक्चुअल देखोगे तब क्या होगा। मतलब वो कुछ ऐसा ही बोलता है कि असल में वो देख चुका है एक्सपेरिमेंट 1006 को, क्योंकि जो ये बातें कह रहा है तो इससे हमें कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि वो ऑलरेडी देख चुका है एक्सपेरिमेंट 1006 को रियलिटी में अपनी आंखों से। उसकी एक्चुअल बॉडी क्या है वो सब देख चुका है वो, दैट्स व्हाई वो हमसे ये लाइन कहता है, ये स्टेटमेंट कहता है। यहाँ तक कि वो हर एक चीज़ जानता है हमारे बारे में। सेकंड पार्ट में जब हम मम्मी लॉन्गलेग्स को मारते हैं तो उसी टाइम वहीं पर ही एक्सपेरिमेंट 1006 भी आ जाता है उसकी बॉडी को लेने के लिए, तो उसे कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं। कैटनैप को मारते हैं तो ऑली की आवाज़ नहीं आती, कोई उसका कॉल नहीं आता, लेकिन वहाँ पर पहुँचता है एक्सपेरिमेंट 1006 और वो भी उसी कैटनैप की बॉडी को मार के अपने साथ लेके चले आता है। सो कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि वो हमें फॉलो कर रहा है, उसे हमारे हर स्टेप के बारे में ऑलरेडी मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और ऑली भी यही है, वो भी हमें हर एक लोकेशन पर ट्रेस कर रहा है, उसे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब वो हमें देख रहा है सीसीटीवी के दौरान। तो हो ना हो पॉपी कभी वो धोखा दे रहा होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हमें लगता है कि भाई वो हमारी हेल्प कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, तो वो हमें कैटनैप तक क्यों लेके गया, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। वो हमें प्ले हाउस भेजता है, वो हमें स्कूल भेजता है, वो हमें होम स्वीट होम भेजता है। देखा जाए तो वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, वो असल में हमें जानबूझ के वहाँ भेज रहा है ताकि वहाँ पर जो भी मॉन्स्टर्स हैं वो हमें मार दें। उसने हमें स्कूल भेजा क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पर ऑलरेडी मिस डिलाइट है जो कि हमारे खून की प्यासी वो हमें मारना चाहती है। फिर उसके बाद उसने हमें प्ले हाउस भेजा जहाँ पर बहुत सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स थे, और एंड में उसने हमें गैस प्रोडक्शन जोन में भेज दिया था जहाँ पर कैटनैप से हमारा सामना हुआ था, और इस लड़ाई में लेकर हम लोग जीत गए। और मे भी हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट 1006 बहुत गुस्से में होगा कि कैटनैप उसे मार नहीं पाया, तो क्या पता कि इस वजह से उसने अपने आप ही उस कैटनैप को मार दिया था। सो कैटनैप है वो असल में अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करता है, वो बस उसकी पूजा करता है। वो सोचता है कि इस बार भी मे बी 1006 उसे बचा लेगा जैसे कि उसने पहली बार बचाया था उसे जब वो किड था, जब वो ह्यूमन बॉडी में था। तो वही वो खुश होता है कि इस बार भी मुझे एक्सपेरिमेंट 1006 बचा लेगा कैटनैप। लेकिन असल में हम देख पाते हैं यहाँ पर कुछ और ही होता है जहाँ पर 1006 उसे मार देता है और अपने साथ उसकी बॉडी लेके चले आता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख पाते हैं जब हमें प्ले हाउस में डॉग डे मिलता है तो वो बस पॉपी की बात ही करता है। वो कहता है कि तुम और पॉपी ही इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, इन सब मैडनेस को रोक सकते हो। सो यहाँ पर वो ऑली की बात बिल्कुल नहीं कहता है कि ऑली भी तो है जो हमें गाइड कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के ही बारे में कहता है जो कि है हम और पॉपी। सो अगर हम इस थ्योरी पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऑली और कोई नहीं एक्सपेरिमेंट 1006 ही था। लास्ट में जब उसने हमें देखा, हमने कैटनैप को मार दिया था, फिर उसके बाद वो क्या ही बोलता। जब हम और पॉपी वहाँ से निकल रहे थे तब उसने मौका देख के किसी मिसी को मार दिया या फिर उसे पकड़ लिया, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो हमें ट्रेस कर रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं वो हमें देख पा रहा है। सो जब उसने देखा कि मौका अच्छा है तो उसने किसी पर हमला कर दिया था। और जहाँ तक बात रही ऑली की आवाज़ की, तो आपको भी पता है मुझे पता है एक्सपेरिमेंट 1006 असल में प्ले हाउस प्ले केयर में भी बहुत टाइम रहा है, होम सूट में बहुत टाइम रहा है, दैट्स वाई वो जानता है सभी बच्चों की आवाज़ों को, पहचानता है और कंज्यूम कर चुका है। दैट्स वाई हमें वो बहुत ही प्यार से ऑली बन के हमें धोखा दे रहा होता है। वही सेम केस वो पॉपी के साथ भी करता है। अब जो भी ये थ्योरी है इससे हम ये जान पाएं कि असल में जो पॉपी है वो अच्छी है और एक्सपेरिमेंट 1006 वो बुरा है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आई डोंट नो क्यों लगता है, कि जो भी हम थ्योरी बना रहे हैं या फिर जो भी इस पूरी चैप्टर का मेन सोर्स है, लोर है, जो कहानी है, वो कहीं ना कहीं एंड में हमें दिखा देगी कि पॉपी ही मेन विलन है, क्योंकि मुझे इस डॉल पे रत्ती पर भरोसा नहीं है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या पता ऑली एक ह्यूमन बीइंग हो जो कि अब तक इस फैक्ट्री में बचा हुआ हो। सबसे पहले ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो जिंदा हो सकता है अगर वो कोई बॉय होगा या फिर कोई ह्यूमन होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे दी आवर ऑफ जॉय के टाइम पर सब टॉयस भयानक हो चुके थे, इरी हो चुके थे, उन सभी ने सारे एम्प्लॉयज को मार दिया था, लेकिन असल में समहाउ यहाँ पर बच्चों को नहीं मारा था। क्या पता कि कुछ एम्प्लॉयज अच्छे वाले जो होंगे एम्प्लॉयज, क्या पता कि वो सब जिंदा होंगे और जो होम सिट होम के जो बच्चे हैं वो सब जिंदा होंगे कैटनैप की बदौलत। हम देख पाते हैं यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं स्कूल में तो वहाँ पे एक विचेस में हम सुन पाते हैं मिस डिलाइट की आवाज़, कहती है कि कहाँ हैं बच्चे, क्या वो सेफ हैं, और अगर सेफ है तो क्या वो वहाँ पर है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं। तो वहाँ पर वो कहता है नो, क्या वो सेफ हैं, वो कहता है यस। और ये आप देखोगे ये तब की वीडियो है जब आवर ऑफ जॉय शुरू हो चुका था, तो यानी कि बच्चे जिंदा हैं। वो यहाँ पर बोलता भी है यस, तो चिल्ड्रंस आर सेफ, वो बोलता है हाँ, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को रखा गया है, यानी कि उन सभी को मार के जो उनकी बॉडी है वो कहीं डीप में रखी गई थी, और वही सब खा के ये सारे मॉन्स्टर अब तक जिंदा हैं।
लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो ऑफेंस हैं, जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो सब जिंदा हैं। और कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ भी होंगे जो कि अभी तक जिंदा होंगे और वो किसी और डिपार्टमेंट में हैं, आई मीन वो कहीं और सेफ हैं। और वो हो सकती है कि वो कोई लैब होगी जहाँ पर सारे सीसीटीवी होंगे और सारे सिक्योरिटी मेजर्स होंगे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन्हीं में से कोई एक होगा ओली, जो कि हमें उस सिस्टम पे देख के हमें गाइड कर रहा हो। क्योंकि हम बार बार सिर्फ दो चीज़ें सुन पाते हैं, पहला है कि प्रोटोटाइप विल सेव अस, पापी भी यही कहती है, यहाँ तक कि ओली भी यही कहता है कि हमें बहुत से लोगों को बचाना है। Together, we can save a lot of people, including you. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. तो क्या पता कि वो जो बहुत से लोग हैं वो सब सेफ होंगे, वो इस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं सेफ है somehow, आई डोंट नो कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो जिंदा कैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सेफ होंगे। और उन्हीं में से मे बी ओली भी जिंदा होगा, जो कि कहीं सेफ होगा और हमें सिक्योरिटी रूम के थ्रू गाइड कर रहा है, हमें कीज भेज रहा है। तो अगर हम ये थ्योरी में ध्यान दें तो सारे बच्चे या फिर कुछ एम्प्लॉयज जिंदा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि तो एंड में हमें उसने कॉल बैक क्यों नहीं किया, हमें उसने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो क्या पता कि कुछ ना कुछ हो गया होगा। और जब हम इस चैप्टर 4 को शुरू करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे क्या पता नेटवर्क ना आता हो या फिर कुछ और दिक्कत हो। आई नो कि वहाँ पर नेटवर्क आते हैं, लेकिन क्या पता कुछ और दिक्कत हो जो कि हमें चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाएगी, कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर जो भी हो, या फिर जो उनकी लोकेशंस हैं वो रिवील हो चुकी होंगी और कोई वहाँ पर पहुँच गया होगा उन्हें मारने के लिए, जो भी हो। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि हम बार बार यहाँ पर देख पाते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें लोगों को बचाना है, हमें लोगों को बचाना है। वो कौन लोग हैं हमें क्या पता, हमें लगता है कि मे बी ओली जिंदा है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी जिंदा हैं, कुछ चिल्ड्रंस होंगे या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी है, लेकिन कुछ लोग जिंदा हैं। दैट्स वाई जो पापी है वो ओली पर भी इतना ट्रस्ट करती है क्योंकि वो उसे जानती होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और थ्योरी बताना चाहूँगा। हमें पता है कि जो फ़ोन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोजेक्ट प्ले टाइम में सेकेंड फेज में, जहाँ पर हमें कुछ मैसेजेस आते हैं उस टीवी पर जो कि हमें गिफ्ट के तौर पे एक फ़ोन भेजता है। तो कहीं ना कहीं ओली या फिर कुछ एम्प्लॉय जिंदा हैं जो कि हमें गाइड कर रहे हैं उसी फ़ोन के थ्रू, और वही फ़ोन हमें मिलता है चैप्टर 3 में, हम उसको यूज़ कर पाते हैं। ऑल राइट, तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि असल में ओली कौन है, वो एक रियल बॉय है या फिर 1006 है, वो सब कुछ आपके ऊपर अब डिपेंड है। बस अब कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है, हु इज़ ओली, लिटरली कौन है ओली, कहीं वो फ़ोन तो नहीं है ओली। यहाँ तक देख लिया है ओली के लिए, माय बॉय के लिए रेड हार्ट को स्पैम करना बिल्कुल भी ना भूलें। जाने से पहले हमें व्हाट्सएप और इंस्टा पे फॉलो करना भी ना भूलें। मिलेंगे जल्दी, टिल देन मैं विके जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, मजे करें, खुश रहें और देखते रहिए। धन्यवाद।